हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा टेक्नोलॉजी। मैं हितेश वधवा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला टैब के डिफाइंड नेम्स ग्रुप के बारे में। तो देखिए, डिफाइंड नेम्स ग्रुप में आप क्या क्या कर सकते हैं और किस टाइप से आप इसका यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम का मतलब होता है आप किसी भी सेल का नेम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कर्सर हमने रखा D3 पर, तो D3 सेल पे जाने के बाद अगर हम कोई वैल्यू देते हैं तो भी हम इस सेल का नेम दे सकते हैं। बिना वैल्यू दिए भी आप डिफाइन नेम पर जाएंगे, आपके पास डिफाइन नेम का या न्यू नेम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप जो भी नेम देंगे उस नेम से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दिया जैसे कि राम। जैसे ही आप राम नेम दोगे, आपने ओके करना है, आप कोई भी नेम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इस सेल का क्या नेम दिखाई दे रहा है, आप नेम बॉक्स पर देख रहे हैं राम। अगर आप किसी और सेल का नेम देना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, कोई वैल्यू देने के बाद भी दे सकते हो। आप बिना वैल्यू दिए भी डिफाइन नेम पर जाएंगे, आपने यहाँ पर लिखा श्याम, आप जैसे ही ओके करेंगे आपका वो नेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, आप नेम बॉक्स पर उसे फिर से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी। अब देखिए, हमारे सेल हमें देखने हैं कि राम नेम का कौन सा था। आप जैसे ही राम यहाँ पर टाइप करेंगे आप देख सकते हैं। अगर आपको श्याम देखना है तो जैसे ही आप यहाँ पर श्याम नेम टाइप करेंगे आप श्याम का सेल देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यूज इन फॉर्मूला। जो आपने नेम अप्लाई किए हैं आप उनके अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास जो भी नेम आपने डिफाइन किए हैं वो नेम आपको मेंशन हो रहे हैं और उनकी वैल्यूज का आप फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला अपनी मर्जी से अप्लाई करना है तो हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारे पास मेंशन हो रहा है नंबर वन नंबर टू। अब हमें नहीं पता है कि नंबर वन नंबर टू कहाँ है, हम चाहते हैं हमें सिर्फ यूज इन फॉर्मूला बाय नेम करना है। तो आपने यहाँ पर लिखा है राम। जैसे ही आप राम पर क्लिक करेंगे आपका राम नेम अप्लाई हो जाएगा। आप कोमा भी लगा सकते हो। आप जैसे ही सेकेंड नेम देना चाहो तो आप शाम पर यहाँ से क्लिक करोगे। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इजी वे से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो लिस्ट में राम था वो राम सेलेक्ट हो चुका है, जो लिस्ट में शाम था वो शाम सेलेक्ट हो चुका है। आप जैसे ही ब्रैकेट क्लोज एंटर करोगे आप इनका सम इजिली देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो हमें यूज इन फॉर्मूला के अंदर से दिए गए नेम से नहीं करना, हमें नेम डायरेक्ट टाइप करना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, आपने लिखा राम, फिर आप कोमा लगा के आप खुद से भी ये नेम टाइप कर सकते हो, क्योंकि ये नेम आप जो भी डिफाइन नेम में डालते हो वो आपके नेम अप्लाई इजिली हो जाते हैं। अब आप देख सकते हो, एक तो आपने किया था यूज इन फॉर्मूला की हेल्प से, जो नेम दिए गए थे वहां से आपने चूज किए, और आप यहाँ से खुद से भी वो नेम दे सकते हैं। डिफाइन नेम में देने के बाद वो नेम आप इजिली अप्लाई कहीं भी किसी जगह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो नेम को सिलेक्टेड सेल में। अब जैसे कि आप बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हो तो आप उसमें से टॉप रो लेफ्ट कॉलम इस टाइप से सेलेक्ट करके इजीली उनका कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और आपके पास इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+F3। अब हम बात करेंगे कि हम इस ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा रिकॉर्ड बना लेते हैं जिससे हमें इजीली हेल्प हो उसको यूज करने के लिए। जैसे ही हम रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा नेम, आप कुछ भी नेम, आप कोई भी रिकॉर्ड अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा मैथ, यहाँ पर लिखा आपने इंग्लिश, आप कोई भी रिकॉर्ड अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो भी आप चाहो। हमने कोई नेम डाला AABB, आप इस टाइप से कोई भी नेम डाल सकते हो। आपने यहाँ जाने के बाद इनका रिकॉर्ड डालना है, जो भी आप मार्क्स डालना चाहो या जो भी आपके मार्क्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग बने बनाए रिकॉर्ड को भी यूज कर सकते हैं, या आप खुद से कोई रिकॉर्ड बनाने के बाद भी उसे यूज करके देख सकते हैं। अब देखिए, हमने इस ऑप्शन का यूज किस टाइप से करना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन बनाने के बाद करना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी आपके पास वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, या आप शॉर्टकट से करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, Ctrl+Shift+F3। आप जैसे ही ये शॉर्टकट प्रेस करोगे आपके पास क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपके पास टॉप रो और लेफ्ट कॉलम आपका सिलेक्ट हो चुका है। आप जैसे ही ओके करेंगे अब आपका ये अप्लाई हो गया है। अब हम बात करेंगे कि हमें किस टाइप से इसका यूज शो होगा। तो देखिए, आप किसी सेल पर भी क्लिक करिए, अगर आपको देखना है कि जो आपके पास AA नेम से स्टूडेंट है आपने उनके मैथ और इंग्लिश में मार्क्स देखने कितने आए हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इक्वल टू सम
ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर उस सेल के नेम को लिखना है जो भी आपका है, आपकी रो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। आप इस टाइप से इजी वे से सिलेक्शन का यूज करके देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपने देखना है मैथ के कॉलम में टोटल बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, आप यहां पर आप मैथ लिखेंगे तो आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन की हेल्प से आप रो और कॉलम किसी भी टाइप से ग्रुप के वे में सिलेक्ट करके उनका इजीली यूज कर सकते हैं। यह हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है लॉन्ग कैलकुलेशन को शॉर्ट टाइम में करने के लिए। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको इसका भी आंसर शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का मतलब होता है जितना भी आपने क्रिएट किया है, एडिट किया है, डिलीट किया है, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जितने भी आपने नेम्स लिए हैं, कोई भी आपने फॉर्मूला दिया है, आप ये सब डिटेल के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। आप जैसे ही नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे आपके सामने वहां पर आपके जितने भी नेम्स यूज हुए हैं, वो नेम, उनकी वैल्यूज, किस शीट पर है आपके पास वो रेफरेंस और किस वर्कबुक पर आपने दिया हुआ है, और आप जो भी कमेंट देते हैं आप वो भी देख सकते हैं। आपको कुछ न्यू बनाना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, आप ये भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको डीडी वाला डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम ऑफ डीडी। आप जैसे ही ओके करोगे आपके यहाँ से डीडी का नेम, जो भी आपने वहां उसका रिकॉर्ड दिया था, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट से नेम मैनेजर को ओपन करना चाहो तो आप कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करोगे, वो आपका शॉर्टकट के साथ ओपन हो जाएगा। आप जो भी चेंज यहाँ करना चाहो, जो भी एडिट करना चाहो, आप इजिली एडिट चेंज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को अपनी भी नोटिफिकेशन में लाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।